आजाद भारत की सबसे विभत्स रेल दुर्घटना अपने बालासोर में देख ली, लाशें देख ली, लाशों के ऊपर वंदे मातरम का नारा भी देख लिया। अब ये वीडियो देख, अवंतिका एक्सप्रेस के सेकेंड एसी कोच में एसी होल से पानी गिर रहा है। ट्रेन के भीतर गिरता शावर रेल मंत्री के उनके कार्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को दर्शा रहा है। वो लोग आज गायब हैं जो देश में बुलेट ट्रेन चलाने का दम भरते थे, वो लोग भी गायब हैं जो वंदे भारत का क्रेडिट खाने में पीछे नहीं हटते थे। वंदे भारत, अब वंदे भारत का वीडियो देखिए। वंदे भारत एक्सप्रेस में बारिश के दौरान ट्रेन की छत से पानी गिर रहा है। एक कर्मचारी गिरते पानी के नीचे प्लास्टिक के बॉक्स रखता भी दिख रहा है। ये भारत की सबसे महंगी ट्रेन है, सबसे ज्यादा किराया है, सबसे ज्यादा प्रचार है, लेकिन तस्वीरें बदसूरत हैं। ये वीडियो इस सरकार के फर्जी विकास की असली तस्वीर बयां कर रही है। सवाल किससे किया जाए? रेल मंत्री से? लेकिन कौन रेल मंत्री? वो जिसे जनता ने पहली बार बालासोर रेल दुर्घटना में देखा था, या फिर वो पंत प्रधान जो हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं पर जब जवाबदेही सुनिश्चित करने की बारी आती है वो गायब हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे ही कल पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रेल हादसा हुआ। दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन रेल मंत्री तो बड़ी परियोजनाओं में ध्यान लगाए हुए हैं। मीडिया भी ऐसी खबरों को दबा देती है क्योंकि इससे भारतीय रेल की बदनामी हो जाएगी, राष्ट्रवाद कमजोर हो जाएगा। यकीन मानिए, आज भारतीय रेल सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साक्षी आहूजा की करंट लगने से मौत हो गई। वो भोपाल की ट्रेन पकड़ने आई थी, इस दौरान उनसे बिजली का खंभा छू गया। खंभे से एक वायर निकला हुआ था जिससे बारिश के पानी में करंट फैल गया। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या रेलवे प्रशासन या रेल मंत्री? जब से मोदी सरकार दोबारा चुनकर आई है रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकली, नई नौकरियां नहीं आई, लाखों पद खाली हैं। कई ऐसे पद खाली हैं जो ट्रेनों की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान अब भी रेलवे के निजीकरण में है। रेलवे स्टेशन बेचने में है, रेल बेचने में है, देश बेचने में है, जिनके लिए देश की बर्बादी, त्रासदी, आपदा, राष्ट्रवादी राजनीति चमकाने का अवसर पैदा करती है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछ के क्या फायदा? इनका एक ही उपाय है, परिवर्तन, महापरिवर्तन। 24 के चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी।